सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेडमी की तरफ से इंडिया में रेडमी के 50i के बारे में। यस, तो इसके क्या स्पेशल है, क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आपको ये जिस प्राइस पर आता है क्या उस पर ये जस्टिफाइड करता है नहीं करता, आज की इस वीडियो में आपको इसके कंप्लीट स्पेशल बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यस, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट वीडियो में आपके डेस्क पर रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले से। तो 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल देखने में मिलता है, जहाँ पर आपको यस ये एक नेक्स्ट यानी लॉन्ग एंड यहाँ पर काफ़ी यानी ऊंची छलांग लगाई है रेडमी ने। डायरेक्ट 144 हर्ट्ज पर स्विच किया है 120 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट के अंदर, जहाँ पर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी में इसको A+ की आपको मान्यता प्राप्त हुई है। यस, जहाँ पर आपको A+ अगर आप यहाँ पर जो IPS LCD पैनल में अगर आप देखोगे कैटेगरी में, तो वो आपको बेटर इम्प्रूवमेंट दे देती है अदर IPS LCD पैनल से, यानी A+ IPS LCD पैनल में बात कर रहा हूँ कि मैं AMOLED में। 10-bit पैनल का यूज़ हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ गाइस, यहाँ पर आपको 650 मैक्स की ब्राइटनेस देखने के मिल जाती है। आउटडोर में यूज़ करोगे एंड इंडोर में यूज़ करोगे ना, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ गाइस, यहाँ पर आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट यानी आपको यहाँ पर यानी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जा रहा है रेडमी तरफ से। तो यहाँ पर आपको 30 एंड 60 एंड यहाँ पर आपको 90 120 एंड 144 हर्ट्ज अपने आप स्विच होता रहेगा अगर आप इस ऑप्शन को यानी इनेबल करोगे अपने स्मार्टफोन के अंदर। डॉल्बी विजन का एंड HDR 10+ वाइड एंड एलोन का सपोर्ट यहाँ पर आपको ऑब्वियसली देखने मिलेगा डिस्प्ले में, यानी डिस्प्ले की क्वालिटी को जिस जहाँ पर आपको ये प्रोवाइड किए गए IPS उसको बेटर से बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है रेडमी की तरफ से। तो यहाँ पर आपको रेडमी K50i का डिस्प्ले टॉप नोट देखने में मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कंटेंट कंज्यूम कर लो, चाहे आप यहाँ पर वीडियो रेंडरिंग, चाहे वीडियो गेमिंग, चाहे गेम एंजॉय कर लो, कुछ भी मल्टीटास्क कर लो डे टू डे लाइफ में। बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात कर लेते हैं यहाँ पर गाइस। तो यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल एंड यहाँ पर आपको काफ़ी ऑसम डिज़ाइन देखने के मिलता है, न ज़्यादा यहाँ पर आपको फैंसी डिज़ाइन यूज़ किया गया है, न यहाँ पर आपको ओल्ड डिज़ाइन यूज़ किया गया है, यानी एक बेटर आपको यहाँ पर जो डिज़ाइन होता है ना वो आपको यहाँ पर यूज़ किया गया है रेडमी तरफ से। यहाँ पर आपको फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है, बैक पर यहाँ पर आपको जो पॉलीकार्बोनेट फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलती है, बिकॉज स्मार्टफोन यानी ज़्यादा हैवी हो जाता है फिर, यानी वो एल्यूमिनियम की फ्रेम दे देते हैं, ग्लास बैक दे देते हैं उसकी वजह से। IP53 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि आपके स्मार्टफोन में यानी पानी वानी की चीटें लगना देते हैं, डस्ट वगैरह से आपका स्मार्टफोन प्रोटेक्ट रहेगा धूल वगैरह से। बैक पर रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन में देखने लिए मिल जाता है। ओवरऑल इस स्मार्टफोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी जो फॉर्म फैक्टर है वो काफ़ी सॉलिड देखने लिए मिलती है, काफ़ी बेस्ट आपको यहाँ पर सॉलिड फील आपको प्रोवाइड करेगा हाथ में होल्ड करने पर इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन। फाइनली गाइस, अब यहाँ पर इसमें चिपसेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर गाइस आपको MediaTek Dimensity जो 8100 वाला 5G चिपसेट देखने लिए मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर 5nm पर बना हुआ ऑक्टाकोर का 5G प्रोसेसर है। हीटिंग का इशू एंड बैटरी लाइफ का इशू काफ़ी कम देखने मिलता है। अब आप पूछोगे कि भाई ये यानी MediaTek Dimensity 8000 जो 100 वाला चिपसेट हमें यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर हमें स्पीड प्रोवाइड करेगा, तो आप इसे सिंपली जो आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon हीट वाला भैया था ना, यानी Qualcomm Snapdragon 888 उससे आप यहाँ पर इसे कंपेयर कर सकते हो, उसके बराबर आपको परफॉर्मेंस उससे फास्ट एंड यहाँ पर आपको कूल यानी ठंडा रहते हुए आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, ना कि उसकी तरह के हीट होकर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। 12 बैंड 5G का सपोर्ट है, फ्यूचर रेडी 5G स्मार्टफोन है, जरूर से 5G के लिए 100% कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको 12 से ज़्यादा किसी भी स्मार्टफोन में बैंड यानी N77 एंड N78 आपको ये दोनों अगर आपको यहाँ पर किसी भी स्मार्टफोन में बैंड मिल जाते हैं यहाँ पर तो 12 है, तो आप इसे ज़रूर से कंसीडर कर सकते हो। LPDDR5 RAM टाइप, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप रहेगा, लेटेस्ट है एंड यहाँ पर आपको रीड एंड राइडिंग की स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी। Android 12 रहेगा, आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 पर रन करेगा एंड यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल ऐप जो आपको Xiaomi के अगर आपने स्मार्टफोन यूज़ कर रखे हैं पहले एंड अगर आपको उनमें यानी उनसे आपका काम चल जाता है ब्लॉटवेयर से, अगर आपको कोई भी इशू नहीं है तो डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को आप
ग्रैब कर सकते हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड डे टू डे लाइफ में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका। बात करते हैं कैमरा की। कैमरा के अंडर 64 का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, जो कि 2021 का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो स्मार्टफोन में यूज़ होने वाला कैमरा है 64 का प्राइमरी कैमरा। 64 का प्राइमरी कैमरा 8 में उसका अल्ट्रा वाइड, 2 में उसका मैक्रो। यस, बैक से 4K करवाओगे, नो OIS, नो EIS, नो यहाँ पर आपको गिम्बल उम्बल कुछ नहीं देखने मिलेगा, सिंपल 64 का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। एंड फ्रंट पर यहाँ पर आपको 3 मेगापिक्सल, यस 16 मेगापिक्सल फ्रंट पर सेल्फी स्नैप पर देखने मिल जाएगा, जो कि आपकी ब्यूटीफुल से यानी आपको ब्यूटीफुल इमेजेस एंड यहाँ पर आपको वीडियो कैप्चर करके प्रोवाइड करेगा। एंड ऑल कैमरा फिल्टर का फोटो आपको वैसे देखने मिल जाएगा, यानी बूके डे नाइट वो सब आपको देखने मिलेगा। ओवरऑल प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैमरा भी इसका बेस्ट है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5080mAh की, यस 5080mAh की बैटरी देखने मिलती है। 67 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है, बॉक्स में ही चार्जर रहेगा। ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे कि यहाँ पर आपको इस टाइम यानी Xiaomi, Apple एंड अदर ब्रांड भी इसकी देखा देखी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको Redmi ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका स्मार्टफोन 1 आवर्स के अंडर फुल चार्ज हो जाएगा 0 से 100%। तो यहाँ पर आपको बैटरी डिपार्टमेंट में से आपका यानी बैटरी से आपका 1 डे इजीली चल जाएगा, यानी निकाल देगी आपको, इतना बैकअप प्रोवाइड कर देगी इजीली बैटरी। अदर सेंसर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा एंड यहाँ पर आपको फेस अनलॉक रहेगा। उसके साथ ही गाइस यहाँ पर आपको आयर ब्लास्टर, जो कि रेडमी का मैन जो हाईलाइट स्मार्टफोन में जो दिखाकर सेल किया जाने वाला स्मार्टफोन है, यानी आप आयर ब्लास्टर का से किसी भी अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके अपने रूम में किसी भी डिवाइस यानी स्पीकर, एसी, फैन इन सबको आप यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे बैठे बैठे, टीवी का रिमोट बना पाओगे। 3.5 जैक ओब्वियसली रहेगा, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, 3 एंड जायरोस्मीटर, एंबिलाइट सेंसर, प्रोक्सीमीटर, वो सभी सेंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओवरऑल यहाँ पर आपको ये ऑल स्पेशल मैंने आपको रेडमी K50i के बता दिए। अब बात करते हैं फाइनली वेरियंट की कि ये आपको यानी किस प्राइस पर लेना चाहिए। 6+128GB एंड यहाँ पर आपको 8 128GB दो वेरियंट देखने मिलते हैं। स्टार्टिंग का वेरिएंट 6+128 वाला वेरिएंट अगर आपको यहाँ पर 25,000 रुपये की प्राइस में मिल जाता है, सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन में से कहूँगा जरूर से 100% ग्रैब कर सकते हो। 25,000 से नीचे मिल जाता है तो आप इसी स्मार्टफोन को न छोड़ें, यानी किसी भी रीज़न से, तो आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा, डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। 25,000 से ऊपर जाता है। अदर स्मार्टफोन पर डिटेल वीडियो बना रखा है, बेस्ट स्मार्टफोन जो अंडर 25,000 रुपीज़ के, उनसे आप चैनल से एक बार जरूर चेक आउट करें। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मैंने वहाँ पर आपको बता रखे हैं। तो आपको प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग 25,000 रुपये की प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसी स्पेशन आपको कैसे लगे? वैसे तो टॉप नोज है स्पेशन, कहाँ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना जरूर से बताना। ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्माइल एंड जय हिंद।